मेरा मेरा हर जगह देख लिया, आस पास हर जगह देख लिया। मेरा हमें किसी की मदद लेनी पड़ेगी, ऐसे नहीं मिलेगा वो। तू चलो, मैं जल्दी चलना पड़ेगा। चलो आप प्लीज एक बार हमारे साथ चलिए। वो वहां खाई से गिर गया, उसको बचाना होगा, प्लीज आप चलिए ना। गिरा है तो मर गया होगा, और गिर के नहीं मरा होगा तो जंगली जानवरों ने उसे खा लिया होगा। पता है ना कि वहां पे नेशनल पार्क है। सर ऐसा कुछ नहीं हुआ, ये इनफैक्ट हम लोग नीचे गए भी थे, हमने पूरा ढूंढा, काफी देर तक ढूंढा, पर शायद आप लोग चले और थोड़ी हेल्प मिल जाए तो हम उसे जल्दी ढूंढ। ओए, इस इलाके का तुझे ज्यादा पता है या मुझे? अच्छा एक बात बताओ, वैसे आप लोग वहां कर क्या रहे थे? सेल्फी खींच रहे थे? हाँ जी बात। नहीं वो, आप ये सारी बातें बाद में कर लीजिएगा, पहले हम सनी को ढूंढने चले। देव जा इन दोनों के साथ। थैंक यू। सर उसको ढूंढना है। एक मिनट रुको रहे यार। ओए इधर लाओ इन दोनों को। सर क्या हुआ इंस्पेक्टर साहब, आपने हमें ऐसे फोन करके आए हो और यहां कुछ अलग ही कहानी बता रहे थे? सर जी, क्या बोली जा रहे? सर आप मेरी बात सुनिए, आपको जो कहना है आप कह लीजिए, मैं सब सुन लूंगा, पर आप एक बार प्लीज अभी हमारे साथ चलिए, वो सनी को बचाना जरूरी है, वो उसको ढूंढ लेते हैं एक बार। वो बंदा अभी तक कहाँ बचा होगा, मैंने खुद देखा है कि इसने उसे धक्का मारा है। ये गलत कह रहा है, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया, वो जिंदा है। आप प्लीज हमारे साथ चलिए। चश्मदीद गवाह की सुनो या तेरी। सर जी विवान ने कुछ नहीं किया, वो सच में बेगुनाह है, ये लोग झूठ बोल रहे हैं। ओए मैडम चुप कर, आपको छोड़ रहा हूँ, नहीं तो इसके साथ साथ तुझे भी अंदर कर दूंगा, समझी? चलो इसे लेके अंदर। मीरा तुम जानती हो ना कि मैंने कुछ नहीं किया, मैंने जानबूझ के कुछ नहीं किया मीरा, वो तो मुझे पता है तुम बेगुनाह हो विवान। मीरा मैंने कुछ नहीं किया, मुझे पता है। मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगी। मैं विवान को बचा के रहूंगी। ये क्या किया तुमने? अगर हमने कुछ गलत किया होता ना तो हम यहाँ खुद ना आते। मेरा विवान बेगुनाह है। ए, तेरे कहने से कुछ नहीं होगा। एक सबूत हमारे पास है कि वो गुनाहगार है, और एक सबूत तुम ले आओ कि वो बेगुनाह है। छोड़ देंगे उसे। मेरे रब्बा क्यों हुआ
कैसे टूटे रिश्तों से बिखरे है ये पल ना। एक सबूत हमारे पास है कि वो गुनहगार है और एक सबूत तुम ले आओ कि वो बेगुनाह है। चल के है ये पल क्यों अधूरी ये कहानी। एक फोन। किसका फोन है? हेलो। हेलो मम्मी। मेरा पुत्र, मेरा तू किथे में? ये विवाह में की कर देता, तूने रोका क्यों नहीं? आपको कैसे पता? पुत्र वो जो फोन होता है ना जिसमें सामने वाले का वीडियो दिखता है, वो लग गया था। पर कैसे? सनी के फोन से? हाँ। मम्मी विवान ने कुछ नहीं किया। कुछ भी नहीं किया है उसने। अब मेरे पे भरोसा करो, मैं बता रही हूँ, कभी कभी जो आंखों से दिखता है ना वो सब सच नहीं होता। मीरा, फोन क्यों काट देता? विवान, मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगी, कोई ना कोई रास्ता जरूर ढूंढूंगी। क्या कहा उसने? मैंने पूछा क्या कहा? चिपु कह रही थी कि इसमें विवान की कोई गलती नहीं है। बस मैं जानता था यही बोलेगी वो। पागल हो गई है तेरी कुड़ी। ये सारी सनी की कोई चाल है, मुझे पता लगाना ही होगा। बोल बोल कि तूने ही मारा है सनी को। मैंने उसको नहीं मारा और मैं झूठ नहीं बोलता, मेरा जवाब नहीं बदलेगा। अच्छा बता। बोल। मुझे जितना मारना है मार लो। आपके मारने से मेरा जवाब नहीं बदलेगा, मैंने सनी को नहीं मारा। मम्मी पापा को ये सब दिखा, वो फोन यहीं कहीं होगा। तू क्या समझता है कि तू बड़ा आदमी है तो बच जाएगा? आपको जितना मारना है मार लो, मेरा जवाब नहीं बदलेगा। पापा जी कोई तो रास्ता दिखाओ। अननोन नंबर। सनी भाई, हमने सारा कुछ कर दिया है, टेस्ट निकाल दिया है, खाए में कुछ भी नहीं है, पुलिस आया कोई और कुछ भी नहीं मिलने वाला है। ऑल सेट। जान जेल, सनी का फोन, ये जाल क्या निकलवा दिया? अच्छा तो इसका मतलब ये जाल सनी का बिछाया हुआ है। विवान को फंसाने के लिए। विवान
किसी बेकसूर को कोई ऐसे मारता है क्या? मैं ठीक हूँ, तुम चिंता मत कर। ये सब तो बस ज्यादा नहीं लगी, थोड़ा सा ही लगा। झूठ मत बोलो, ऐसी हालत में भी तुम्हें इस बात की फिक्र है कि मैं परेशान ना हो जाऊं। मैं तुम्हें इस हाल में नहीं रहने दे सकती। मेरे को कुछ करना होगा। घर वालों से क्या कहोगी? उनको पहले से ही सब कुछ पता है। मेरी मम्मी से बात हुई थी और मैं पहाड़ी पे गई थी और वहां मैंने सनी का मोबाइल देखा। उसके बाद मुझे जाल दिखा और फिर मैं नीचे जाल के पास गई और मैंने देखा कि इसका मतलब विवाद ये सब ना सनी की स्कीम में थी मुझे फंसाने के लिए। ना विवान तुम खुद सोचो, अगर वो नीचे गिरता या कोई जानवर होता है उसको कुछ भी होता तो हमें कुछ ना कुछ तो मिलता ना। और वो गवाह वो भी कोई स्कीम ही थी। नहीं तो तुम खुद सोचो, हम इतना जीतते रहे, हम वहां से लगाते रहे पर वहां कोई नहीं आया तो ये कैसे आ गया? पर तुम बिल्कुल चिंता मत करो, मैं सब उसे ढूंढ के लाऊंगी। मीरा प्लीज, मैं नहीं चाहता कि सबके चक्कर में तुम किसी मुश्किल में फंस जाओ, मेरी वजह से किसी मुश्किल में फंस जाओ। प्लीज कुछ ऐसा मत कर देना। तुम इस हालत में हो, मैं तो वैसे इतनी बड़ी प्रॉब्लम में हूँ, इससे बड़ी और क्या प्रॉब्लम हो सकती है? मीरा मुझे समझ नहीं आ रहा, मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है? क्यों हम बार बार मिलके हमेशा अलग हो जाते हैं? हर बार ही ऐसा होता है। तुम मुझे बताओ कि क्या मेरे प्यार में कोई कमी रह गई? ऐसी कौन सी गलती हो गई मुझसे जो भगवान मुझे इतनी बड़ी सजा दे रहे? नहीं विवान, पाप तो शायद मुझसे भी हुआ है, तभी तो हम कभी एक नहीं हो पाते। किसने कहा कि हम अलग हैं? हम तो आज भी साथ हैं मीरा। ओ जी, रोमांस करना है तो थिएटर की साइड सीट लो, ये थाना है। ओए, नजर थल्ले कर, डाउन डाउन डाउन, नहीं तो तेरी हालत भी थल्ले कर दूंगा। आज कोर्ट की छुट्टी है। इंस्पेक्टर जी, आप शांत हो जाइए और ये बताइए, आपने किसी को भेजा? कुछ मिला वहां पे? कोई सुराग या कुछ भी? तुम्हें समझ नहीं आता क्या? मैंने क्या कहा कि जो वो एक बार वहां गिर गया मतलब गया। आप एक बार कोशिश तो कीजिए, आप ऐसे कैसे बोल सकते हैं? ये मेरा थाना है, यहाँ मैं जो चाहूंगा वो बोलूंगा, समझी? यहाँ पाबंदियां कैदियों पर है और तुम जैसे जो मिलने आते हैं ना उन पर। बस आप मीरा से ऐसे बात नहीं कर सकते, आप प्लीज अपनी लिमिट में रहिए। थंडरा अभी सिर्फ मारा है, तोड़ा नहीं। मैडम आप जाओ। साहब जी, साहब जी लाश तो मिली नहीं, केस कैसे बनाऊं? सनी की बॉडी कहीं नहीं मिली, ऐसा कैसे हो सकता है कि कोई सुराग ना मिले? कुछ तो गड़बड़ है, हम मुझे ही कुछ करना होगा।